चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार, आपका हमारे न्यूज चैनल में हार्दिक स्वागत है। बड़ी खबर है जहां दुष्यंत चौटाला के बयान से किसानों में बड़ा रोष। कहा कि किसान संगठनों के राजनीतिक पार्टी बनाने को लेकर उनका माइंड सेट था। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। अगर आप हमारे चैनल के साथ नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सीएम डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला का पंजाब में 25 किसान संगठनों द्वारा संघर्ष नमाज मोर्चा राजनीतिक पार्टी बनाए जाने को लेकर बयान दिया है। उन्होंने कहा कि एक साल से किसान की लड़ाई को राजनीतिक नहीं बताकर संघर्ष करने की बात कर रहे थे, लेकिन वही संघर्ष राजनीति का रूप ले रहा है। इनका शुरू से ही माइंड सेट था कि ये चुनाव लड़ेंगे, इसका जवाब पंजाब की जनता देगी। हरियाणा में पंचायत चुनाव में हो रही देरी को लेकर कहा कि यह मामला हाईकोर्ट में लंबित है। हमने हाईकोर्ट के सामने सभी तथ्य रख दिए हैं। हम महिलाओं को आरक्षित ओबीसी वर्ग के कोटे से चुनाव करवाना चाहते हैं। हाईकोर्ट के फैसले आने के बाद चुनाव होंगे। दीपेंद्र सिंह हुड्डा द्वारा जेजेपी व बीजेपी सरकार को विफल व घोटालों की सरकार बताए जाने पर उन्होंने कहा कि हुड्डा के पास कोई सबूत है तो वे दे। हमारी सरकार में किसी को छोड़ा नहीं, उन्हें गिरफ्तार करने का काम किया है, चाहे वह हरियाणा लोक सेवा आयोग में भर्ती मामला हो। शराब पीने की उम्र 25 से 21 साल हो जाने के सवाल पर उन्होंने सफाई दी। चौटाला ने कहा कि 28 राज्यों में थी, हमने भी कर दिया। यह सोशल व इकोनॉमिक कंडीशन को देखते हुए निर्णय लिया गया। पुलिस रिकॉर्ड में 16,900 मामले शराब पीने के 21 से 25 साल के बीच मामले 4 से 5 साल में दर्ज हुए हैं। इतना आपराधिक लार्ज नंबर किसी चीज का इस्तेमाल व मिसयूज भी है। यह ऐसी उम्र सबको अधिकार उसे रोका भी जा सकता है। चौटाला परिवार एक होने पर किनारा कहा। हम यह कहते हैं कि जेजेपी को मजबूत करने का काम कर सकते हैं। मेरे चैनल के साथ मिलते के लिए वीडियो में धन्यवाद।